बेलीपार पुलिस ने शातिर बदमाश आरफीन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। बेलीपार पुलिस ने मारवाड़िया कुआं चौराहे के पास से शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए एसपी साउथ बेलगांव श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शातिर बदमाश आरफीन उर्फ शहनवास पुत्र आफ्ताब आलम निवासी मुंडेरा बाजार थाना चौरी चौरा किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के फिराक में है। ऐसे में मारवाड़िया कुआं के पास बेलीपार थाने अजीत प्रताप सिंह ने अपनी टीम के साथ मुस्तैदी दिखाते हुए शातिर बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से अवैध देशी तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। गौरतलब है कि शातिर आरफीन उर्फ शहनवाज पर एक दर्जन से भी ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में सीओ अजीत प्रताप सिंह, उप निरीक्षक शेर बहादुर यादव, कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार यादव, महिला कांस्टेबल वंदना यादव सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, बेलीपार के थाना क्षेत्र से ये एक मरवड़िया कुआं है, वहाँ चनऊ गांव है, वहीं पे एक अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है जो कि चौरी चौरा क्षेत्र का रहने वाला है और इस पर कई आपराधिक इतिहास इसका है, कई जगह मुकदमे कायम है। जेल से ये पैरोल पे छूटा था, इसे 315 बोर की तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया। ये जो मुखबिर था, मुखबिर के अनुसार यह कोई घटना ही करता क्योंकि क्रिमिनल है, वो पैरोल पे बाहर है, इसलिए कोई घटना कारित करना था। एसओ बेलीपार को हमारे सूचना मिली थी, उस पर उसने कार्रवाई की है।